अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 42 एचडीटीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलक खुर्रम शहज़ाद। नाज़रीन, पाकिस्तानी टीम ने जो वो भारत को शिकस्त देने के बाद आज ब्लैक किट को भी शिकस्त दी है। ब्लैक किट को शिकस्त देने के बाद हमारे साथ यहां पर कसूर में शायकीन मौजूद है। शायकीन क्रिकेट जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का जो सिक्योरिटी रिस्क था वो खत्म कर दिया। हमारे साथ सारी मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहेंगे? आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आपने चारियों की बात सुनी, चारी जो वो ढोल की थाप पे जो वो भंगड़ा भी डाल रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबादें भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तानी टीम ने जो इंडिया को शिकस्त देने के बाद ब्लैक किट को ऐसी शिकस्त दी कि वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। हमारे साथ कुछ और भी चारी मौजूद हैं, हम उनसे पूछें कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम जी। आप क्या कहेंगे पाकिस्तानी शाहीनों ने जो वो ब्लैक किट को भी आज शिकस्त दी है? देखें, पाकिस्तानी शाहीनों ने आज इससे पहले तो मैं कहूँगा इंडिया को उन्होंने एक तारीखी शिकस्त दी, मतलब पूरा भारत इंडिया उस शिकस्त को मुद्दतों याद रखेगा। उसके बाद अब न्यूजीलैंड को भी उसकी स्कोर याद दिला दी और आज न्यूजीलैंड को शिकस्त दे के बता दिया कि पाकिस्तान में स्कोर का कैसे इंतजाम किया जाता है। और न्यूजीलैंड और अब पाकिस्तानी क्रिकेट की टीम की जो वो बैटिंग थी वो एक मरतबा तो बहुत धचका देने वाली थी, उसके बाद शोएब मलिक और आसिफ अली की बैटिंग ने परफॉर्मेंस दिखाई। बाकी टीम को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस जबरदस्त थी। हो जाता है, टीम में अप डाउन हो जाता है। एक दफ़ा तो सूरत ऐसी थी मैच 50-50 था। जब मैच 50-50 था तब आपकी क्या कंडीशन थी, आपकी क्या था? नहीं बिल्कुल, उस वक्त तो हमारे साहब जो है ना सबके साहब जकड़े हुए थे, बड़ी एक टेंशन क्रिएट हो रही थी कि आप, लेकिन दुआएं थी पूरी कौम की, मुल्क की इज्जत और वकार था, तो पूरी कौम के हमारी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ थी और अल्लाह ताला ने हमें फतह से हमकनार किया और हमारी इज्जत बहा रखी और न्यूजीलैंड को भी सबूत करा दिया कि जैसे उन्होंने एन मौके पर ये मैच की आप देखे सिचुएशन कैसी थी, जिस तरह न्यूजीलैंड ने मैच से एक दिन पहले इनकार किया खेलने का, उसी तरह मैच का फैसला भी ऐसे हुआ पॉइंट पर जाके। ये आप मतलब जानते कि पाकिस्तानी शाहीनों ने जो वो अपना एडी चोरी का जोर लगाकर ब्लैक किट को शिकस्त दी? जी बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ, जैसे न्यूजीलैंड ने एन टाइम पर जिस दिन मैच था तो सुबह उन्होंने स्कोर का इशू बना के मैच खेलने से इनकार कर दिया। ये मैच भी उसी तरह उसी सूरत में बिल्कुल आखिरी जो सेकंड लास्ट ओवर था वहाँ पर जाकर उसको इन्होंने खत्म किया, उसको बताया कि कैसे स्कोर की जाती है। तो आप कप की क्या तो अकवाद लगाए बैठे हो, इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम जो वो T20 कप भी लेके आएगा, इंशाल्लाह ही हमारी पाकिस्तान टीम के साथ दुआएं हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि कौम की दुआएं और टीम की परफॉर्मेंस और इंशाल्लाह मिलके सब जब दुआएं करेंगे और वो भी इस वक्त टीम पूरी यकजान होकर खेल रही है और इंशाल्लाह हम पूरा उम्मीद है अल्लाह ताला हमें फतह से हम कनार करे, T20 वर्ल्ड कप में फतह से हम कनार करेगा। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी, जो थे हमारे साथ जैनब के वालिद, जैनब शहीद के वालिद, उनका कहना है कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम जो है वो फतह से हमकिनार होगी और ब्लैक किट को एक बार फिर बताते चले कि ब्लैक किट को जो वो उनकी सिक्योरिटी याद दिलाने में पाकिस्तानी शहीनों ने आज पूरा किरदार अदा किया है। इसी के साथ अपने मेज़बान मलक खुर्रम शहज़ाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HDTV। अल्लाह निगेबान।